सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज में राधन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके बाल विकास विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। इससे पहले दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 के बाद यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस वीडियो में आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको साइड में आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी, चाहे पवन सीरीज हो या राजन सीरीज हो, आप सभी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की थी। दोस्तों, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत तीन नियम, जो उनके मुख्य नियम कहे जाते हैं, उनकी चर्चा की थी। और वो नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। यही तीन नियम थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में बताए हैं, जो कि सीखने के मुख्य नियम कहे जाते हैं। और गौण नियम कितने हैं? गौण नियम पांच हैं। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? दोस्तों, यहाँ पर प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा। तो प्यास, भूख, प्यास और निद्रा, ये तीनों हैं जन्मजात अभिप्रेरणा। लेकिन जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, ये होता है अर्जित। इसको मनुष्य को खुद अर्जित करना पड़ता है समाज में। तो इसीलिए ऑप्शन द, जो प्रतिष्ठा है, ये अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 73 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाता है। दोस्तों, ये कहलाता है विस्मरण, यानी कि आपने कोई चीज सीखी है और जब आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज याद नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं विस्मरण। प्रश्न संख्या 74 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। दोस्तों, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है बहुलक। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 75 है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? दोस्तों, बाल विकास का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। दोस्तों, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है आनुवांशिकता। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 77 है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्सटन ने। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? दोस्तों, बुद्धि का मापन करता है भाटिया बैटरी परीक्षण, यानी कि ऑप्शन द बिल्कुल सही है। और प्रश्न संख्या 79 है, जीन प्याजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो दोस्तों, जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो इसीलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 80 है, वह मानवीय विचार जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है, वह कहलाती है दोस्तों सृजनात्मकता। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 81 है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह कहलाता है, वह कहलाता है दोस्तों व्यक्तित्व, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 82 है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, ये किया था मरे एवं मॉर्गन ने। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 83 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है अधिगम। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 84 है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है परिपक्वता। ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 85 है, थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य तीन नियम दिए थे। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 86 है, पॉलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो दोस्तों, पॉलो ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, यानी कि ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 87 है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो दोस्तों, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, यानी कि ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 88 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है
मानसिक स्वास्थ्य यानी कि ऑप्शन वह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 89, ये बाल विकास की अवस्थाएं होती है। दोस्तों बाल विकास को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 91 है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है दोस्तों, यह कथन है स्टैनले हॉल का, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 92 है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है। दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने, ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 93 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा, प्रसार। प्रश्न संख्या 94 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 95 है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये प्रयुक्त होता है 3 से लेकर 11 वर्ष के बालकों के लिए, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 96 है, संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध, भय, प्रेम, ये तीनों ही संवेग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान दिया है ये संवेग के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 97 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, यानी कि ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 98 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। दोस्तों पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 99 है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है, यह कथन किसका। दोस्तों ये कथन है बिग एवं हंट का, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। दोस्तों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित, उभयोमुखी या अवाबा दोनों। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व तो होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 101 है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है, यह कथन है। दोस्तों ये कथन है थॉम्पसन का, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 102 है, क्रिसमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। दोस्तों क्रिसमर ने बताए हैं 3 प्रकार के व्यक्तित्व, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 103 है, व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपण विधियां, ये सभी व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां, इसीलिए ऑप्शन द उपयोग सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 104 है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है गेट्स एवं अन्य का, ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 105 है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है मनोविशेषण विधि में, यानी कि ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 106 है, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, उक्त कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है स्किनर का, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 107 है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, उक्त कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है मैकडूगल का, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 108 है, कल्पना के प्रकार है। दोस्तों कल्पना सृजनात्मक, आदानात्मक या अवाबा दोनों। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका अवाबा दोनों, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 109 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है वैलेंटाइन का, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 110 है, चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है। दोस्तों चिंतन प्रक्रिया में सबसे अधिक इनमें से जो तत्व होता है वो होता है ऑप्शन अ उद्देश्य पूर्णता, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रख कर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन है गैरेट का, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 112 है, तर्क के प्रकार हैं आगमन तर्क, निगमन तर्क या अ व ब दोनों। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, अ व ब दोनों।
प्रश्न संख्या 113 है, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है जेम्स ड्रेवर का, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 114 है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है स्किनर का, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 115 है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? दोस्तों ये कहा है स्टैनले हॉल ने, यानी कि ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 116 है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है? दोस्तों ये सूत्र है बुद्धि लब्धि का, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 115 है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? दोस्तों किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने, यानी कि ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है? दोस्तों ये होती है बौद्धिक विकास में, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 120 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 121 है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन कहलाता है? दोस्तों परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा कल्पना, क्योंकि परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना कहलाता है कल्पना, और ये परिभाषा दी है मैकडूगल ने, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अ बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पर दा दिया हुआ तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 122 है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन नंबर अ तर्क। इसके बाद प्रश्न संख्या 123 है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग को बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको का ऑप्शन पूरा लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर भी देंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 124, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है अधिगम वक्र, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 125 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है, यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है तत्परता का नियम, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 126 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, अंतर्दृष्टि या सूचक सिद्धांत। ये होता है किसी भी समस्या का पहले पूरा ज्ञान, यानी कि संपूर्ण परिस्थिति, समस्या का जब आप पूरा ज्ञान कर लेते हैं तब आप उस समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछा है कि संपूर्ण परिस्थिति या संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। दोस्तों जब परिस्थितियां पूरी उस व्यक्ति को दिखा देती हैं, उस बालक को दिखा देती हैं, तभी वह उस परिस्थिति या फिर उस समस्या के विषय में चिंतन कर पाता है या सूझ कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर स दिया हुआ है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द। इसके बाद प्रश्न संख्या 127 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? वो कहलाते हैं दोस्तों अर्जित प्रेरक, यानी कि ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 128 है, अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं? दोस्तों ये सब आते हैं इस स्मृति के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 129 है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? दोस्तों वह कहलाता है समांतर माध्य। प्रश्न संख्या 130 है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है जॉन ड्यूबी का, यानी कि ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 131 है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या उपरोक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 132 है, टोली की आयु कहते हैं? दोस्तों टोली की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 133 है,
मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका दोस्तों? यह कथन है फ्रायड का। ऑप्शन आप बिल्कुल सही है और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 134, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? दोस्तों बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन वाह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 135 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए? दोस्तों शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। प्रश्न संख्या 136 है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों शिक्षा में क्रिएटिविटी का प्रयोग किस तरीके से होता है? तो होता है वो चिंतन के रूप में। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 137 है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 138 है, थार्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम? दोस्तों ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 139 है, प्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक विकल्प अ और ब दोनों? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर स, विकल्प अ और ब दोनों, क्योंकि जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 140 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 141 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 142 है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? दोस्तों वे कहलाते हैं अर्जित प्रेरक, यानी कि ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 143 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है? दोस्तों यह कथन है वुडवर्थ का, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 144 है, आंकड़ों के प्रकार हैं? दोस्तों यहाँ पर दिया है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान के समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कहीं भी कोई भी समस्या हो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज आप कमेंट करके थ्रू हमसे पूछिए, हम जरूर उसका आंसर आपको देंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर आप अधिक से अधिक मात्रा में प्लीज आप लोग जरूर करिएगा, उसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में ही आपको कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।